अगस्त 2024 का जब रात का समय हो चुका था और उत्तराखंड के देहरादून बस स्टॉप पर लगभग सारे लोग जा चुके थे। गिने चुने वहाँ पे पैसेंजर थे जिनकी बस रात को चलने वाली थी, और इसी तरीके से वहाँ पर एक लड़की भी वेट कर रही थी अपनी बस का। लेकिन नाइट ड्यूटी करने वाला गार्ड जब उस लड़की के पास गुजरा तो उससे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और बार बार अपने कपड़े सेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके पास एक व्यक्ति घूम रहा था जिसे वह बार बार देख के अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो गार्ड को यह देख के कुछ गड़बड़ लगी और गार्ड ने बिल्कुल नहीं सोचा कि वह चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। उसके दिमाग में यह बात आई कि हो सकता है यह लड़की परेशान हो और यह आदमी इसे परेशान कर रहा हो, और यह लड़की सिर्फ 15-16 साल की लग रही थी। सो गार्ड को यह सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी, तो उसने पुलिस को फ़ोन किया और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर दी। कॉल के कुछ देर बाद ही पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं और उससे गार्ड से आकर पूछताछ करने लगते हैं। गार्ड ने जिस कंडीशन में लड़की को देखा, जो कुछ उसके साथ हो रहा था, वह सारी चीज़ें पुलिस को बता देता है, और उसके बाद पूरी टीम उस लड़की के पास जा पहुंचती है। और जब पुलिस वाले उस लड़की से बात कर रहे होते हैं, जैसे भी आदमी को वो अपने पास देखती है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अपने पास जो बैग था उसे वह लिपटने लगती है, तो पुलिस वाले समझने लगते हैं कि ज़रूर आदमियों से ये घबरा रही है। तो जितने भी जेंट्स थे वो पीछे चले जाते हैं और जितनी भी लेडी पुलिस ऑफिसर थी उनके साथ आई थी वो जाकर उस लड़की से बात करने लगती है। तो वह कि इस टाइम इनसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है। वह जब उससे पूछताछ करने लगते हैं तो बेटा तुम कहाँ से आए थे और तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो, तो उस लड़की ने बताया कि वह पंजाब के पटियाला में जाना चाहती है और वह इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तो उन लेडी ऑफिसर ने उससे पूछना शुरू किया कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आई हो या फिर तुम्हारे साथ और भी कोई आया है, या फिर तुम्हारे साथ जो कोई आया वो गुम हो गया है यहाँ पे। सारे तरीके से पुलिस वाले उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार पूछ लेने के बाद भी वह लड़की बहुत कम बोल रही थी और पुलिस वालों को यह बात लगने लगी कि ज़रूर यह लड़की मुसीबत में है। तो वह लोग अपने साथ इसे गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। इस लड़की को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले उसे कुछ खिलाया जाता है, जो कुछ भी वो खाना चाहती थी पानी पिलाया जाता है। और उसके बाद एक लेडी ऑफिसर आकर उसके पास आराम से बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बच्ची इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। तो इसके साथ ही इसका ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को यह बात लग रही थी कि ज़रूर यह लड़की किसी न किसी हादसे से गुजरी है और यही कारण है कि अब यह बोलने की हालत में भी नहीं है। तो 1-2 दिन तक तो इसका इलाज चलता है, और उसके बाद दोबारा से जब पुलिस उसके पास जाती है, लेडी ऑफिसर ने जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की, तो उस लड़की ने कुछ एक ऐसी बात बतानी शुरू की कि उन लेडी ऑफिसर को, जिससे कि उन्हें पता चला कि इसके साथ तो दरिंदगी हुई है। उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि यह सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ, क्या कुछ हुआ, तो वह लड़की बताने लगती है, और ऐसे ही बताते बताते वह रोने लगती है। और उसे 2-3 दिन तक आराम से ये सब चीज़ें पूछी जाती है, और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये सारी दरिंदगी उत्तराखंड के देहरादून में जो बस स्टैंड में मौजूद है वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर तो काफ़ी सारे CCTV कैमरा भी लगे हुए थे। पुलिस वाले वहाँ जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर इस लड़की के आसपास काफ़ी सारे लोग घूम रहे थे, और उसमें भी जो आखिर में जब यह लड़की अकेली रह गई थी तो यह बंदा इसके आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहा था। CCTV कैमरा वाली वीडियो उस लड़की को दिखाई जाती है, तो वह लड़की पहचान जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बताती है कि इसके अलावा 4 लोग और भी मौजूद थे। तो पुलिस वाले उस वीडियो से उस व्यक्ति की फ़ोटो लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से जाकर उत्तराखंड के बस स्टैंड था वहाँ पर जाकर पूछताछ शुरू करते हैं। इसी पूछताछ के बीच में व्यक्ति उन्हें मिल जाता है, पुलिस वाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं।
12 अगस्त की रात के समय था जब यह लड़की उत्तराखंड के देहरादून में पहुंची, और दरअसल उसे पंजाब के पटियाला जाना था। तो जिस बस में वह आई थी, इस बस के कंडक्टर से और ड्राइवर से यह पूछने लगती है कि मुझे इस तरह से वहाँ पर जाना है, मुझे कहाँ से बस मिल सकती है। तो इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने यह बात कही कि तुम आराम से बैठ जाओ, जहाँ पर भी तुम्हारा स्टॉपेज आएगा तुम लोगों को आराम से बता देंगे, और उसके बाद तुम्हें यह भी बता देंगे तुम्हें बस कौन सी पकड़नी है। इन सारी चीज़ों को सुनकर लड़की वो आराम से बैठ जाती है। और उसके बाद उत्तराखंड और देहरादून के करीब रात के 10:30 बजे यहाँ सभी पहुँचती है। और जैसे ही यहाँ बस पर पहुँचती है तो एक एक करके जितनी भी सवारी थी वो सभी उतर जाती है। अब रात का टाइम था तो पहले ही बहुत हो चुका था, बाकी सवारी भी बैठी हुई थी। वह अब सारी सवारी उतर जाती है और चली जाती है। इस लड़की ने पूछना शुरू किया कि अब मुझे पंजाब के पटियाला जाना है तो वहाँ की बस मुझे कहाँ से मिल सकती है। तो उन दोनों ने इसे कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी बस लगी हुई होगी, हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन इस घटना के कुछ देर बाद ही वो उस लड़की को बस के पीछे ले जाने लगते हैं, और वह बेचारी अकेली थी पूरी ही बस में। यहाँ आसपास भी काफ़ी सारी बसें खड़ी हुई थी। इस बस के कंडक्टर और इसका ड्राइवर, जो इसके साथ हैवानियत करने पर तुले हुए थे, ज़बरदस्ती उसे बस के पीछे ले जाकर उसे चुपचाप करवाने की कोशिश कर रहे थे, और यह बोलते कि तुम्हें घर जाना नहीं क्या, जाना है तो चुपचाप आराम से बैठे रहो, तुम्हें पहुंचा देंगे और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। लड़की इस टाइम काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, और उसके बाद वह लोग उसको बस के पीछे वाली सीट पर ले जाकर और उसके साथ हैवानियत करने लगे। इस लड़की की आवाज़ सुनकर जो उसके साथ दरिंदगी इस टाइम हो रही थी, बस के साइड में एक और बस खड़ी थी, उसके ड्राइवर और कंडक्टर भी आ गए, और वह लोग भी सेम चीज़ उसके साथ करने लगे बजाय उसकी मदद करने। फिर इनमें से एक कंडक्टर कैशियर के पास जाता है पैसे जमा करवाने। कैशियर उसे पूछता है कि तुम आज इतने लेट कैसे हो गए। पहले तो वो बहाने बनाता और फिर बता देता है, तो कैशियर भी वहाँ आ जाता और वह भी हैवानियत करने लगता है उसके साथ, और ऐसे मिलके इन पांचों ने उसके साथ हैवानियत की। बट फाइनली सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।